स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और, और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपने माता पिता अपने घर वालों का जो आपके घर वालों ने सपने देखे हैं उन्हें पूरे करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे होंगे एक बार मैं फिर से आपका द स्पीड के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चे पहले वीडियो को सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर से लाइव जुड़ जाइए क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर यूपी त्रिपल एस पीटी तो लिखाई है साथ ही साथ ये एस एस वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीटी में परसेंटेज और एवरेज ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि जीडी के लिए भी थे तो मैंने पहले एवरेज स्टार्ट करना चाहा लेकिन आप देखते होंगे डी अगर आपके पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन में आपका एवरेज जरूर लग जा रहा है ठीक है तो मैंने कहा पहले क्यों ना हम एवरेज क्लियर कर दे जिससे कि वो दो क्वेश्चन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं एवरेज से रिलेटेड तो इसी वजह से मैंने पहले एवरेज स्टार्ट किया है तो आप सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर लाइव आ जाइए सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर लाइव आ जाइए फिर आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं आ गए हैं सभी बच्चे लाइव थोड़ा सा कमेंट देखना चाहेंगे हम सभी बच्चों का सभी बच्चे लाइव आ जाइए एक बार और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके जिससे एक बार शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके ताकि सभी बच्चे लाभ उठा सके मैंने कहा है कि ये पीटी के साथ साथ एस एस वाले जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे कि सर मैथ कब से पढ़ा रहे हैं तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं मैथ्स मंडे से पढ़ाऊंगा लेकिन कल किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया था आज से एस एस वाले भी बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और सभी को बुला लीजिए कि क्लास आपके स्टार्ट हो गई है जैसे आपकी सुबह में झमाझम वाली क्लास चलती थी वैसे ही अब आपके सामने मैथ्स के लिए एकदम झमाझम एकदम बेसिक से जिस चीज के लिए आप हमें जानते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है बेसिक का जो कि मैं कहीं से भी आपको छोड़ करके चला जाऊं ठीक है हर एक पॉइंट पॉइंट टू बेसिक से रिलेट करके मैं आपको समझाता हूं और वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा कि ये टॉपिक अगर आप एक बार पढ़ लें तो फिर आप कहें कि नहीं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि मैंने नहीं समझाया है तो आप सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव आ जाइए सभी बच्चे एक बार शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लाइव आ जाइए और उन बच्चों को जरूर बता दीजिए जो बच्चे मैथ के लिए काफी परेशान हो रहे थे कि अब उनकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आ जाइए फिर हम क्लास स्टार्ट कर दे भाई जल्दी से आ जाइए आयुष ठाकुर निधि त्रिपाठी संयोग कुमार प्रंसु पांडे नसीम खान भानु आंचल ठाकुर शिवम ठाकुर सभी को गुड इवनिंग निधि त्रिपाठी ये आपके एस एस के लिए भी है तो आप एस एस सी जी प्रिपरेशन कर रही हैं तो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए जो भी बच्चे एस एस वाले हैं परेशान हो रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं कि वो क्लास जरूर कर लें क्लास जरूर कीजिए आप लोग क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए थोड़ा सा कमेंट वाला बॉक्स मैं चालू कर लू कमेंट वाला बॉक्स आ नहीं रहा है इस वजह से थोड़ा सा सामने कमेंट रहता है तो अच्छा लगता है चलिए आ गया है भाई कमेंट बच्चे काफी कम जुड़े हुए हैं तो परेशान मत होइए सभी बच्चे बाद में भी कुछ बच्चे लाइव देखते हैं ठीक है काफी सारी क्लासेज रहती है बच्चों को देखने के लिए तो पीटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा क्योंकि अगर आप डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी अगर चार डीआई आ रही हैं चार में से प्रत्येक डीआई में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन आपके एवरेज से मिल जा रहे हैं मतलब आठ क्वेश्चन आपके एवरेज से मिल जा रहे हैं और आपका एक क्वेश्चन अरिथमेटिक में एवरेज से आना तय है तो आप नौ no क्वेश्चन आप मान के चलिए कि पीटी वाले बच्चे नौ no क्वेश्चन आप क्लियर मान के एवरेज से कहीं ना कहीं आपको सात से नौ no क्वेश्चन के बीच आपका एवरेज से आ ही जाएगा ठीक है सात से नौ no क्वेश्चन आपका एवरेज से आ ही जाएगा तो भी आप परेशान नहीं होना है एकदम नॉर्मली समझते हुए चलना है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है क्लास स्टार्ट किया जाए अब चलिए ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला है बस उसी को आपको समझना है उसी को ध्यान देना है बाकी सारी चीजें आपकी हो जाएंगी आपको पता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या क्या होता है औसत बराबर मैं लिख दे रहा हूं औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या पदों का योग बटे में पदों की संख्या ध्यान दीजिएगा बच्चों औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या अब आप कहेंगे कि सर दो और फार्मूले कौन से हैं जो आप कह रहे थे कि इसी फार्मूले से दो और फार्मूले निकलते हैं ध्यान दीजिए आपको एक पॉइंट याद है मैंने बताया था कि आप एलएचएस और आरएचएस जो बेसिक में मैं काफी सारी बार आ, काफी बार आपको सिखाता हूं कि एलएचएस को आरएचएस की तरफ ले जाइए अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा गुणा में है तो भाग में हो जाएगा भाग में है तो गुणा में हो जाएगा भाग में है तो गुणा में हो जाएगा सर परमान चलिए तो आप कहेंगे कि अगर यहां से हम पदों का योग निकालना चाहें अगर यहां से हम पदों का योग निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा औसत गुड़े में पदों की संख्या क्या हो जाएगा ये चार बजे से बराबर क्या हो जाएगा पदों का योग क्या हो जाएगा पदों का योग फिर अगर यहीं से आप पदों की संख्या निकालना चाहें तो आप कहेंगे पदों की संख्या अगर आप निकालना चाहें तो आप कहेंगे कि पदों का योग बटे में औसत पदों का योग बटे में औसत आपने देखा कि एक ही फार्मूले से आपके दो फार्मूले बन गए हैं अब बस यही तीन फार्मूले ऐसे हैं जिनका आपको यूज करना है तीन ही फार्मूलों का आपको यूज करना है और एक हिसाब से देखेंगे तो आप कहेंगे कि मात्र और मात्र केवल और केवल एक ही फार्मूला है बस उसी का यूज करना है ठीक है क्लियर है सभी बच्चों को सभी बच्चों को क्लियर है शैलेश मौर्य मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एवरेज आपका कहीं ना कहीं सात से नौ क्वेश्चन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है और जीडी का अभी तो एग्जाम थोड़ा सा लेट है लेकिन जीडी के लिए भी आपको पढ़ना है एवरेज तो अभी से पढ़ते चलिए ठीक है क्लियर है यहां तक शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या बुला लीजिए क्योंकि आपको पता है कि बेसिक से बेसिक आपके जो पेपर में आना है ये समझ जाइए कि अगर आप पढ़ लेंगे तो सात से नौ नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है चलिए नोट कर लिए चलिए आ जाइए क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर ही मैं आपको तीनों समझा दूंगा क्वेश्चन पर ही तीनों मैं आपको समझा दूंगा ठीक है लिखा गया है पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा गया है तीन सात नौ सत्रह सोलह चौदह बारह एवं अट्ठारह का औसत क्या है ठीक है तीन सात नौ सत्रह सोलह चौदह बारह एवं अठारह का औसत क्या है औसत पूछा गया है और आपने अभी औसत का फार्मूला आपने अभी फार्मूला लिखा है कि औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या बस वही फार्मूला लगाना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो आप लिखेंगे औसत निकालना है आपको तो औसत बराबर फिर से फार्मूला मैं एक बार और लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए पदों का योग बटे में पदों की संख्या पदों की संख्या पदों का योग बटे में पदों की संख्या ठीक है पदों का योग योग कर लीजिए आप क्या है तीन प्लस सात प्लस नौ प्लस सत्रह प्लस सोलह प्लस चौदाह मैं नीचे लिख दे रहा हूं प्लस बारह और अट्ठारह बटे में संख्याएं आप गिन लीजिए तो संख्या एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ कुल कितनी संख्याएं हैं? आठ संख्या अब योग करना है योग आपको करना है ठीक है योग आपको करना है तो योग करेंगे तो योग कितना आएगा बताइएगा तो आप कहेंगे कि सर छियानबे आएगा छियानबे बटे आठ तो एवरेज जो निकल के आएगा वो एवरेज क्या हो जाएगा आपका तो आप कहेंगे कि एवरेज आएगा बारह एवरेज क्या आएगा बारह आएगा एवरेज क्या आएगा बारह आएगा ठीक है एवरेज बारह एवरेज क्या आएगा बारह आएगा अब यहीं पर मैं वो तीन फार्मूलों का यूज करके आपको दिखा दे रहा हूं उसको यहीं पर अब आपको मैं वो दोनों फार्मूले भी यूज करके दिखा दे रहा हूं ठीक है आपके जो दोनों फार्मूले आपने लिखे हैं कि उन्हें यूज कैसे करना है अब आपको तीनों चीजें यहां पर पता चल गई ठीक है तीनों चीजें आपको यहां पर पता चल गई लेकिन फार्मूला आप यूज करना सीख लीजिए पहला आपको क्या पता चल गया तो आप कहेंगे कि सर एवरेज औसत आपने निकाल के अभी दिखा दिया बारह और आपने योग क्या निकाला है संख्याओं का योग आपने निकाला है छियानबे और संख्याओं की संख्या क्या है पदों की संख्या क्या है कुल संख्या कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे कुल आठ संख्या ब्लैक कलर दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं ठीक है कुल आठ संख्या है। ये आपका क्या है एवरेज हो गया ये आपका पदों का योग मतलब संख्याओं का योग बोल लीजिए और ये आपका कुल संख्याएं कितनी थी तो आप कहेंगे कुल संख्याएं बारह तो आठ थी अब आप वो दोनों फार्मूले यहां यूज कर सकते हैं क्या जब आपको एवरेज दिया जाए और संख्याएं दी जाए जब आपको एवरेज दिया जाए और संख्याएं दी जाए तो संख्याओं का योग मतलब एवरेज दिया जाए और कितनी संख्याएं हैं ये दी जाए तो आप संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा ठीक है मैं साइड में लिख दे रहा हूं सारा एवरेज है तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या कितनी है आप कहेंगे कि आठ और फिर आप कहेंगे सम ऑफ टर्म्स पदों का योग कितना है तो आप कहेंगे छियानबे ये तीनों मैंने लिख दिया ठीक है मान लीजिए अभी छियानबे आपको निकालना पड़ जाए और आपको ये दोनों दिया जाए एवरेज और पदों की संख्या दी जाए तो आप इसको कैसे निकालेंगे अभी आपने फार्मूला लिखा था ध्यान दीजिएगा अभी आपने फार्मूला लिखा था कि पदों का योग बराबर औसत गुड़े में पदों की संख्या अभी आपने फार्मूला लिखा था और आप अब कहेंगे सर आप फार्मूला याद भी हो गया ठीक है औसत कितना निकल के आया तो आप कहेंगे कि औसत 12 और पदों की संख्या कितनी 8 तो योग जो आ रहा है योग आप देख लीजिए छियानबे कि नहीं आ रहा है योग जो आ रहा है छियानबे कि नहीं आ रहा है ठीक है और इसके अकॉर्डिंग भी आप जब जोड़ रहे थे तब भी छियानबे आ रहा था जब आप जोड़ रहे थे तब भी छियानबे आ रहा था एक और यहीं पर निकाल लीजिए जिससे कि आपको तीनों फार्मूले यहीं पर क्लियर हो जाए एक और निकाल लीजिए क्या चीज जब आपका योग दिया जाए और क्या दी जाए संख्या दी जाए ठीक है योग और संख्या दी जाए तो आपने औसत निकाल लिया ठीक है लेकिन जब संख्या निकालना हो तब क्या करेंगे संख्या पदों की संख्या तो आपने अभी लिखा था पदों की संख्या बराबर योग बटे में औसत अभी आपने लिखा था संख्या बराबर योग बटे में औसत तो योग कितना आया था मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूं आपने बताया था छियानबे और औसत कितना बारह तो संख्या क्या आ जाएगी पदों की संख्या पदों की संख्या आप कहेंगे कि आठ आएगा ध्यान दीजिएगा मैंने यहां पर तीनों इसलिए निकाल करके दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट टू पॉइंट कहीं पर भी किसी बालक या किसी बालिका को दिक्कत नहीं होनी चाहिए वॉइस आ रही है भैया शैलेश मौर्या सोनू प्रसाद वॉइस क्लियर आ रही है और उम्मीद करता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे कोई भी चीज अगर आपको कहीं पर डाउट में लग रही है तो आप उसे जरूर पूछिए आकाश पांडे सूर्यजीत सिंह सभी बच्चे बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं चलिए बहुत अच्छे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने यहां पर तीनों आपको निकालने सिखा दिया इसलिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसलिए मैंने सिखा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे एक फार्मूला मैंने ये बताया था उससे रिलेटेड ठीक है और दूसरा फार्मूला उससे रिलेटेड अभी मैंने ये बताया था पदों की संख्या बराबर योग बटे में औसत और आपका जो एक मेन फार्मूला है वो तो आप याद ही किए हुए हैं क्या औसत बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या बताइए सारी चीजें क्लियर हैं चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको सॉल्व करना है और आंसर करना है लिखा गया है किसी कक्षा में नौ विद्यार्थियों का प्राप्तांक सत्ताईस उन्यासी बासठ सत्तावन चालीस चौरासी उन्तीस इकहत्तर और अस्सी है यहाँ पर आपको गिनना नहीं है कि कितनी संख्याएं हैं या कितने बच्चे हैं कितने विद्यार्थी हैं यह गिनना नहीं है स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया गया है पदों की संख्या मतलब विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है तो आप कहेंगे कि नौ है एक चीज आपको मिल गया नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है पदों की संख्या फिर आपको प्राप्तांक दिया गया है मतलब पद दिए गए हैं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देंगे तो का माध्य मतलब क्या पूछा गया है औसत पूछा गया है माध्य मतलब क्या पूछा गया है औसत पूछा गया है तो उम्मीद करता हूं कि शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से दे देंगे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे देंगे तो आप कहेंगे कि एवरेज बराबर औसत बराबर क्या हो जाएगा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सत्ताईस प्लस उन्यासी प्लस बासठ प्लस सत्तावन प्लस चालीस प्लस चौरासी ठीक है प्लस २९ प्लस इकहत्तर प्लस अस्सी और पूरे का बटे नौ कैलकुलेट करके अब आप आंसर दीजिए अभी तक आंसर नहीं आया आंसर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का आंसर अभी तक आया नहीं आंसर आ जाना चाहिए बस कैलकुलेशन है वो आपको ही करना है देखिए, मैं चाहे जितना कैलकुलेशन आपको करा दूं, आपको कभी नहीं आएगा चाहे जितनी ट्रिक मैं आपको याद करा दूं, कभी नहीं कैलकुलेशन कर पाएंगे जब तक आप अपना पेन और अपनी कापी नहीं खत्म करेंगे अगर आपको अपना कैलकुलेशन मजबूत करना है तो आपको अपनी कॉपियां भरनी होंगी, अपने पेन खत्म करने होंगे तभी आप कैलकुलेशन मजबूत कर सकते हैं तभी आप कैलकुलेशन मजबूत कर सकते हैं देखते हैं कौन सा बालक बालिका अपने कॉपी और अपने पेन खत्म करना चाहता है आकाश पांडे ने आंसर दिया है अट्ठावन दशमलव सात आकाश पांडे का आंसर आया है अट्ठावन दशमलव सात बस केवल आकाश पांडे यादव चार सौ सत्तावन दशमलव आठ कैलकुलेशन देख रहे हैं कितना गलत हो रहा है अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया बस केवल कैलकुलेशन करना था कैलकुलेशन ही करना था बस एक ही चीज अगर आप सीख गए तो ये समझ जाइए मैथ के 50% परसेंट क्वेश्चन आप सही कर देंगे वो है कैलकुलेशन और कैलकुलेशन सिखाने का कोई ट्रिक नहीं होता है बस एक ही होता है क्या अपनी कलम और अपनी कॉपी जितना कॉपी आप कैलकुलेशन के लिए भरेंगे जितने पेन आप कैलकुलेशन के लिए खत्म करेंगे उतनी जल्दी आप कैलकुलेशन देंगे नीरज यादव ने भी अट्ठावन दशमलव सात आंसर दे दिया मैं चाहता हूं कि बत्तीस बच्चे देख रहे हैं तो बत्तीस आंसर आने चाहिए अब तक अगर भैया बत्तीस आंसर नहीं आ रहे हैं तो कम से कम पच्चीस तो आ जाए आचल ठाकुर 59.5, नाइन सूरजीत सिंह अट्ठावन आनंद सिंह अट्ठावन नीरज यादव पांच बटे में नौ चलिए नीरज ने दशमलव में नहीं दिया इसको ऐड करके बटे में दे दिया और आगे अट्ठावन दशमलव सात सूरजीत आनंद नीरज गायत्री प्रियंका राजपूत सोनू प्रसाद शिव ठाकुर अब बच्चे आंसर दे रहे हैं तो अब आप खुद ही बताइए आपका कैलकुलेशन वीक है कि नहीं है अभी मैं कहता मैं जोड़ दिया होता मैं आंसर लिख दिया होता तो आप खुश होते लेकिन इससे ज्यादा खुशी अब आपको मिलनी चाहिए कि कैलकुलेशन आपने स्वयं किया है अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो वहां पर कैलकुलेशन आपको स्वयं करना होगा इसीलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया है ठीक है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैलकुलेशन के लिए कॉपी खरीदें अलग से खूब कॉपी भरिए पापा पूछ रहे हैं कितना जल्दी भर गई तो कह दीजिए कि अब हम स्वयं से कैलकुलेशन करना सीख गए हैं ठीक है हम छाप नहीं देते हैं कैलकुलेशन करते हैं गलत होता है होने दीजिए हम फिर से करेंगे ठीक है चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है ध्यान दीजिएगा लिखा गया है अगला क्वेश्चन तीन कामा छे कामा आठ कामा एक्स कामा सात का औसत औसत आठ हो तो एक्स का मान क्या होगा एक्स का मान क्या होगा अब आपको यहां पर क्या क्या दिया गया है औसत भी दिया गया है और भी दिया गया है पद भी दिए गए हैं पद भी दिए गए हैं और कितने पद दिए गए हैं यह भी आप काउंट कर सकते हैं कि पांच पद दिए गए हैं ठीक है एवरेज भी दिया गया है नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए गए हैं लेकिन उसमें आपका एक क्या है वैल्यू वेरिएबल है तो उसका मान आपको निकालना है ठीक है एक आपका चर पद है तो उसका मान आपको निकालना है चलिए ध्यान दीजिएगा अभी आपने पढ़ा है कि जब आपको यही निकालना है x का मान तो ये किसमें आएगा x कैसे आएगा थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप कहेंगे कि सर अगर हम पदों का योग निकाल लें तो उसमें एक्स आसानी से निकल आएगा तो डायरेक्ट तो वही फार्मूला लगाइए कौन सा पदों का योग बराबर पदों का योग बराबर औसत गुड़े में पदों की संख्या औसत गुड़े में पदों की संख्या ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे पदों का योग पद क्या क्या है तो आप कहेंगे तीन प्लस छ प्लस आठ प्लस एक्स प्लस सात बराबर औसत कितना आठ गुड़े में पदों की संख्या क्या पांच पदों की संख्या क्या पांच तो आप कहेंगे कि एक्स का मान निकालना है तो एक्स रोकिए आठ पंच चालीस और आप ये सब कैलकुलेट कीजिए छ तीन छ नौ नौ आठ सत्रह सत्रह और सात चौबीस और अगर आपने मेरी कोई भी बेसिक क्लास देखी हो तो आपको मैं वहां पर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सिखाया हूं कि अगर आपका इक्वेशन हो और इक्वेशन है तो आपके उसमें दो साइड होते हैं एक तो लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड जिसको आप एलएचएस और आरएचएस बोलते हैं दाया पक्ष और दाया पक्ष अगर कोई भी पद बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जाता है एल से आर की ओर जाता है और आप कहेंगे कि अगर वो प्लस में है तो किसमें हो जाएगा माइनस में एक स्टेप यहां पर कर दे रहे हैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस चौबीस अगर ये चौबीस ध्यान दीजिएगा ये 24 किस किसमें है यहाँ पर तो आप कहेंगे प्लस में है इसको अगर हम आर में ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस सॉरी 40 माइनस चौबीस तो का मान क्या आ जाएगा कहेंगे कि 16 आएगा x मान जो x का मान पूछा गया था कितना आया 16 आया बताइए समझ में आया कि नहीं आया नीरज यादव चलिए क्लियर है सभी बच्चों को ले लीजिए स्क्रीन भैया और आज आपको ये सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बच्चों को बता देना है कि जो बच्चे जीडी के लिए परेशान थे उनका बैच स्टार्ट हो गया है और जो बच्चे पीटी के लिए एग्जाम देने वाले हैं वो बच्चे इस टॉपिक को जरूर पढ़े मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक डीआई में एक से दो क्वेश्चन आपका उसमें एवरेज लगा ही दे रहा है कहीं ना कहीं और एवरेज लगा दे रहा है मतलब चार डीआई आपकी आनी है तो आठ आपके ये मान लीजिए और अरिथमेटिक पोर्शन में आपका एवरेज है तो एक क्वेश्चन वहां से मतलब आप ये मान के चलिए सात से नौ क्वेश्चन अगर आना है तो क्यों ना हम सात से नौ क्वेश्चन कंफर्म कर लें क्लियर है सभी को आ जाते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है ध्यान दीजिएगा ये नॉर्मल पूछा गया है लिखा गया है आठ कामा दस कामा बारह कामा चौदह का औसत क्या होगा तो आप निकाल लीजिए औसत औसत आप निकाल लीजिए तो आप कहेंगे एवरेज क्या हो जाएगा पदों का योग आठ प्लस दस प्लस बारह प्लस चौदह बटे में पदों की संख्या एक है कैलकुलेट कीजिए बारह आठ बीस दस तीस और चौदह कितना 44 चौवालीस बटे में कितना होगा तो आप कहेंगे चौवालीस बटे में चार कितना आएगा आंसर ग्यारह आएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों आंसर यहां पर ग्यारह आएगा लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर इसी को आप मेथड टू से करना चाहें तो मेथड टू से भी कर सकते हैं बस एक पॉइंट को आपको याद रखना है मैं पॉइंट बता दे रहा हूं पॉइंट आप लिख भी लीजिए और मेथड टू अप्लाई करिए ठीक है पॉइंट क्या है समझ लीजिए पॉइंट क्या है समझ लीजिए जब भी कभी पदों के बीच का गैप जब भी कभी पदों के बीच का गैप क्या हो इक्वल हो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं जब भी कभी पदों के बीच का गैप इक्वल हो तथा दिए गए पदों की संख्या इवन हो ध्यान दीजिएगा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर सभी बच्चे लिख लें जब भी कभी पदों के बीच का गैप पदों के बीच का गैप एकदम आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इक्वल हो मतलब बराबर हो तथा दिए गए पदों की संख्या दिए गए पदों की संख्या क्या हो सम हो इवेन हो इवेन हो तो औसत तो औसत आप कहेंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में दो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में दो बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप हमें बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी बच्चे बताएं मैंने क्या कहा कि जब भी कभी दिए गए पदों का गैप इक्वल हो आप देख रहे हैं कि आठ से दस हुआ दो का गैप दस से बारह दो का गैप बारह से चौदह दो का गैप और दिए गए पद क्या हो सम हो सम मतलब पदों की जो संख्या है वो क्या हो सम हो इवेन आए काउंट करने पर क्या आए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो इवेन हो तो आप ये फार्मूला ना लगा करके ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं बताइए किसी बालक को कोई दिक्कत है इस पॉइंट में सभी को क्लियर हुआ कि नहीं फर्स्ट प्लस लास्ट अपान में टू तो आपका फर्स्ट क्या था आप कहेंगे कि फर्स्ट हमारा था आठ और लास्ट क्या था चौदह आठ और चौदह कितना बाईस बाईस बटे में दो क्या आ जाएगा आ एवरेज तो आप कहेंगे कि एवरेज आ जाएगा ग्यारह यही आपका क्या हो जाएगा आंसर मतलब एवरेज आपका ग्यारह आ जाएगा क्लियर है किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा भैया मैंने आपको कहा है कि जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिए एक बार नहीं दस बार पूछिए लेकिन अपना डाउट जरूर क्लियर कीजिए अगर आपको डाउट है आप सोच रहे हैं कि अरे नहीं समझ में आ रहा छोड़ो जाने दो ठीक है तो आप यहां छोड़ेंगे कहीं और फिर वहां छोड़ेंगे तो आप ऐसे छोड़ते रहेंगे जब आपका पेपर आएगा तो वहां भी छोड़ देंगे तो नौकरी भी आपको क्या कहेगी अरे ये तो सबको छोड़ते आए हैं तो हम क्यों ना इनको छोड़ दें ठीक है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चार बार नहीं दस बार तक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दस बार आप पूछिए मैं दस बार आपको समझाऊंगा लेकिन समझाऊंगा जरूर और जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो मेरी आदत से रूबरू हैं मेरी आदत को जानते हैं बखूबी कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक मैं समझाता हूं बस आपके अंदर एक जिद बनी होनी चाहिए कि नहीं मुझे समझना है उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन आपका लिखा गया है कुछ उसी टाइप का दिख रहा है तीन तीन के बाद छह छह के बाद नौ बारह सोलह अठारह इक्कीस चौबीस यहां पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए ठीक है थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए पंद्रह बना लीजिए ठीक है इसको आप पंद्रह बना लीजिए पंद्रह अठारह, इक्कीस चौबीस पंद्रह अठारह, इक्कीस चौबीस ठीक है तो आप कहेंगे कि तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह, इक्कीस चौबीस आप देख लीजिए क्या गैप आपका बराबर है तीन का गैप 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 और तीन का गैप मतलब तीन तीन का गैप आ रहा है अब आप पदों की संख्या देखिए क्या सम है कि विषम है पदों की संख्या देखिए सम है कि विषम है तो आप कहेंगे कि तीन मतलब एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ आप कहेंगे कि पदों की संख्या क्या है आठ आठ मतलब सम है ठीक है पदों की संख्या यहां पर आप कहेंगे कि पदों की संख्या क्या है आठ है पदों की संख्या क्या है आठ है आप पहले अपने उस फार्मूले से लगा लीजिए एवरेज बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या पहले आप इस फार्मूले से लगाइए देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है आपको पहले इस फार्मूले से लगाना है सभी बच्चे आंसर अच्छे क्या बात है पहले आंसर कर दिए चलिए तो आप कहेंगे पदों का योग बटे में पदों की संख्या योग कर लीजिए योग कर लीजिए ध्यान दीजिएगा योग करेंगे तो आप कहेंगे तीन प्लस छ प्लस नौ प्लस बारह प्लस पंद्रह प्लस अठारह प्लस इक्कीस प्लस चौबीस ठीक है बटे में कितना तीन तीन छे दो आठ बटे में कितना आठ अब इसका योग देखिए मैं बता दे रहा हूं कैसे योग करना आसान हो जाएगा आप कहेंगे कि अगर चौबीस छह ऐड करेंगे तो तीस इक्कीस नौ ऐड करेंगे तो तीस अठारह बारह ऐड करेंगे तो तीस ठीक है तीस तीस साठ तीस नब्बे और पंद्रह और आठ अठारह नब्बे और अठारह कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे कि एक सौ आठ बटे में आठ आएगा एक सौ आठ बटे में आठ आएगा कितना आएगा एक सौ आठ बटे में आठ आएगा ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर लीजिए आठ से काटेंगे आठ एक कम आठ कितना हो गया चौबीस अट्ठाईस आठ तरीक चौबीस ठीक है दशमलव और उसके बाद फिर आप और कैलकुलेट करेंगे आगे तो आगे जब और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा चालीस ठीक है और आठ पंचालीस मतलब तेरह दशमलव पांच आएगा कितना आएगा तेरह दशमलव पांच आएगा अब आप अपने फार्मूले से भी लगाइए आपका फार्मूला क्या है मैथेड टू ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे मैथेड टू आपका फार्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा तो आप कहेंगे कि एवरेज बराबर एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट ठीक है सॉरी सेकेंड नहीं फर्स्ट प्लस लास्ट प्रथम और अंतिम मतलब ए प्लस एल बाई टू ऐसे फार्मूला बना लीजिए ए प्लस एल बाई टू ठीक है क्या बना लेंगे ए प्लस एल बाई टू ये आप सीरीज में खूब पढ़े हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे दो ठीक है प्रथम पद प्लस अंतिम बट पद बटे में दो ए प्लस एल बाई टू ए प्लस एल बाई टू खूब पढ़े ना ना तो वही चीज यहाँ पर तो आप कहेंगे ए कितना है ए तीन प्लस एल चौबीस बटे में दो और कैलकुलेट करेंगे तो 24 तीन 27 बटे में दो तो आंसर क्या आ जाएगा तेरह दशमलव पांच आएगा बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बोलिए समझ में आया कि नहीं आया कोई डाउट है किसी को भी कोई भी डाउट किसी बच्चे को सबको क्लियर हो गया सबको क्लियर होना चाहिए भैया किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके कमेंट मेरे सामने आ रहे हैं सबको क्लियर होना चाहिए किसी भी प्रकार का एक भी परसेंट आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए अगर आपके मन में एक भी परसेंट डाउट रह गया तो ये समझ जाइए कि हमारा इस प्रकार से पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा भाई ठीक है तो आपका वो डाउट एक परसेंट नहीं होना चाहिए पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करना है कसम खा के चलिए एवरेज अगर पढ़ रहे हैं इस तरीके से तो कोई भी एक भी पॉइंट वन परसेंट भी डाउट नहीं रखना चलिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है चौसठ पैंसठ सड़सठ और अड़सठ का औसत क्या होगा देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं चलिए ऋषि रॉय ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले किसका आया है सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बालक बालिका करती है लिखा गया है चौसठ पैंसठ सड़सठ और अड़सठ बच्चे आंसर कर रहे हैं शिवम ठाकुर ने कहा संतोष सिंह यादव ने कहा 66, शिवम ठाकुर ने कहा तैतीस ऋषि रॉय इक्यासी शिवम ठाकुर तैतीस शैलेश मौर्य 66, गायत्री यादव 66। गायत्री छाछ सभी बच्चे छाछ कर रहे हैं महेंद्र कुमार इकसठ कर रहे हैं प्रज्ञा दुबे एक सौ इकसठ शिवानी वर्मा छाछठ उज्ज्वल राज पटवा छाछठ चलिए ध्यान दीजिएगा अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपने मेथड टू से तो क्या बताइए आप इस क्वेश्चन को मेथड टू से हल करके आंसर दे पाएंगे आंसर भले ही यहां पर आ जाएगा लेकिन मेथड टू यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते क्यों नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन है मेथड टू आप वहीं पर अप्लाई करते हैं जहां पर कि आपके पदों के बीच का गैप क्या हो बराबर हो आप यहां पर पदों के बीच का गैप जब निकालने चलेंगे तो कहेंगे कि यहां चौसठ से पैंसठ हुआ पैंसठ से यहां सड़सठ हो गया भैया दो हो गया और फिर सड़सठ से एक हो गया क्या बराबर है गैप गैप बराबर नहीं है इसका मतलब मैठे टू आप मत अप्लाई कीजिए काफी बच्चे कहेंगे सर हमने मेथड टू अप्लाई किया आंसर हमारा आ गया मतलब हम भी सही हैं मेथड टू भी सही हो गया तो आपको बता दें यहां पर तो सही हो जाएगा लेकिन कहीं कहीं आप गलत कर देंगे बोलिए तो यहां पर मेथड टू अप्लाई मत कीजिए जिद मत पकड़िए नहीं मैथेड टू से ही करेंगे मैथेड टू से ही करेंगे ठीक है नान खटाई वाली जिद कर लीजिए नहीं मुझे नान खटाई खाना ही खाना है मैथेड टू अगर नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती नहीं लगाना है आपको ठीक है तो आप कह दीजिए कि नहीं लगेगा यहां पर तो आप क्या लगाएंगे बेसिक मैथ औसत बराबर एवरेज बराबर पदों का योग कहेंगे चौसठ प्लस पैंसठ प्लस सड़सठ प्लस अड़सठ बटे में क्या चार अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए ठीक है कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो साठ चार बार आया है छह चौक चौबीस दो चालीस हो जाएगा कितना कितना आप छोड़ के आए थे इसमें चार इसमें पांच इसमें सात इसमें आठ आठ सात पंद्रह पांच बीस चार चौबीस मतलब दो सौ चालीस और चौबीस कितना दो सौ चवालीस कितना आ जाएगा दो सौ चवालीस बटे में क्या चार बटे में क्या चार आएगा बोलिए क्या आएगा बटे में चार सॉरी चौवालिस नहीं चौसठ दो सौ चौसठ 240 और 24 कितना 264 बटे में 4 तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कट करेंगे तो आ जाएगा छह बार जाएगा 24 बटेगा फिर छह बार जाएगा मतलब 66 बचेगा काफी बच्चे आंसर 66 दिए थे लेकिन काफी बच्चे मुझे लग रहा है शायद इसको इसको जोड़ करके बटे दो करके आंसर 66 दे दिए ठीक है तो यहां पर सही हो जा रहा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आगे आप अगर वही मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिए आप इस चीज को ध्यान रखिए मेथड आप कब अप्लाई करेंगे जब आपका ये गैप क्या दिया गया हो इक्वल दिया गया हो जब आपका गैप इक्वल दिया गया हो तब आप अप्लाई करेंगे ध्यान दीजिए तिरसठ दशमलव पांच सोनू प्रसाद तिरसठ दशमलव पांच नहीं होगा बाबू क्या होगा छाछ होगा आचल ठाकुर मैंने भी दो लिखा वो मैंने लिख दिया था दो लेकिन क्या आ रहा है दो आ रहा है क्लियर है क्लियर है ना सभी का कोई डाउट किसी को तो आपका क्या आएगा आंसर एंसर आएगा अब यहां पर थोड़ा सा हम कुछ जादू दिखा दें आपको क्या दिखा दें जादू दिखा दें जादू दे। देखिए क्या देखिए बस केवल देखिएगा अभी सीखने का प्रयास मत कीजिएगा नहीं तो जब जादू आप देखते ही सीखने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कर देंगे पता लगा किसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो टपक गया कबूतर बना दिए बन गया आदमी बना ही नहीं पा रहे ठीक है।, है तो इसीलिए बस केवल अभी देखिएगा सीखने का तुरंत प्रयास मत कीजिएगा अभी अप्लाई कीजिएगा आप मान लीजिए इसका एवरेज मान लीजिए आप इसका एवरेज कुछ इसी के आसपास कोई संख्या मान लीजिए इसी के आसपास कोई संख्या मान लीजिए और फिर उस संख्या से आप इसको देखिए कि कौन सी संख्या कितना कम है और कौन सी संख्या कितना ज्यादा है आप मान लीजिए ही मान के चलिए ठीक है छाछ ही के मान के चलिए कितना छाछ चलिए आपने मान लिया कि माना औसत कितना आएगा छाछ आएगा अब आप छाछ से देखिए कि छाछठ के बाद ये सड़सठ कितना एक ज्यादा है छाछठ से और छाछ के पहले ये पैंसठ कितना एक कम है मतलब एक ज्यादा एक कम कट करके बराबर आ गया कि नहीं आ गया तो आप कहेंगे कि बराबर आ गया फिर आप कहेंगे छाछ से दो ज्यादा अड़सठ और छाछ से दो कम चौसठ दो इधर अधिक दो इधर कम ये भी बराबर तो आप कहेंगे छाछ ही आंसर आएगा क्या आएगा छाछ ही आंसर आएगा अब कुछ बच्चे कहेंगे सर छाछठ ना मान करके हम कुछ और मान लें छाछ ना मान करके हम कुछ और मान ले सत्तर मान ले पैंसठ मान ले पचास मान ले साठ मान ले तो आप मान सकते हैं आप मान सकते हैं लेकिन बस वही ध्यान देना है कि आपको गैप ध्यान में रखते हुए चलना है कि कितना कम हो रहा है अगर कम हो रहा है तो वही औसत आप जोड़ देंगे अगर कम हो रहा है तो वही औसत में आप जोड़ देंगे अगर ज्यादा हो रहा है तो वही औसत में आप घटा देंगे बताइए क्लियर है, है।, है, है।, है कि नहीं है क्लियर है कि नहीं है शैलेश पांडे शैलेश पांडे कह रहे हैं कि अगर साठ लेकर चलेंगे तो इधर क्या आएगा जोड़ करके उन्होंने बता भी दिया ठीक है तो मैंने वही कहा कि आप कुछ भी लेकर के कर सकते हैं बस केवल आपको ध्यान देना है कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है ठीक है तो मैंने आपको अभी दिखाया है अभी आपको मैं कहूंगा नहीं कि नहीं इसको अप्लाई कीजिए ठीक है जब कोई जादूगर जादू दिखाता है तो उसको पहली बार देख लीजिए फिर कहिए दोबारा जब कभी देखिए अभी अगले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो तब मैं कहूंगा कि अब आप इसको अप्लाई कीजिए क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले एक मेथड सीखे कौन सा जब गैप बराबर हो और संख्या क्या हो पदों की संख्या क्या दी गई हो सम दी गई हो सम दी गई मतलब पद जितने भी पद दिए गए हो काउंट करने पर क्या आ रहे हो सम आ रहे हो तब आप वो फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट अपान में टू चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है 105, 108, 111, 114, 117 105, 108, 111, 114 और 117 आइए इसको करते हैं तो इसको पहले आप बेसिक से कर लीजिए कैसे कर लीजिए बेसिक से कर लीजिए तो आप बेसिक से करेंगे तो औसत बराबर क्या हो जाएगा पदों का योग 105 प्लस 108 प्लस 111 प्लस 114 प्लस 117 और पदों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे पांच पद है पदों की संख्या कितनी है पांच पद है ठीक है ध्यान दीजिएगा कैलकुलेट कीजिए तो आप 100 100 ले लीजिए तो कितने बार पांच सौ बार यहां पे सत्रह ठीक है सत्रह और चौदह 31 31 ग्यारह 42, 48, कितना आप कहेंगे कि पचास पचास पांच पचपन मतलब कुल मिलाकर के कितना आएगा 500, आएगा ये कैलकुलेशन हमें नहीं करना था हम खुद ही गलती कर रहे हैं भाई ये कैलकुलेशन किसे करना था आपको करना था ये कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा हम तो कैलकुलेट कर दिए हैं अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर पता नहीं कैसे आप कैलकुलेट किए तो ये आप खुद बनाएंगे हम बताएंगे नहीं कि इसमें आप सौ सौ ले लीजिए पांच बार सौ आया सौ पंचे पांच सौ फिर आप पांच आठ तेरह पांच आठ तेरह तेरह ग्यारह कितना चौबीस चौबीस और चौदह अड़तीस और फिर अड़तीस में सत्रह जोड़ देंगे तो पचपन आ जाएगा ठीक है मतलब पांच सौ पचपन तो ये आपको स्वयं से निकालना है कि ऐसे करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमें नहीं बताना पड़ेगा ठीक है और वो कब पॉसिबल है जब आप कॉपी और पेन भरेंगे ठीक है पेन को खाली करना है कॉपी को भरना है कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा तो आप कहेंगे कि 111 आएगा क्या आएगा 111 आएगा अब आ जाइए इसी को समझ लीजिए कैसे करते हैं आपने गैप वाले में देखा है अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था गैप के लिए गैप के लिए आपने बताया था कि प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटे में दो प्रथम पद और अंतिम पद का योग बटे में दो वैसे भी आप देख रहे हैं आ रहा है लेकिन उससे भी आसान देख लीजिए क्या लिख लीजिए यहां पर पॉइंट पॉइंट बना करके यहीं पर लिख लीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो ठीक है लिख लीजिए पॉइंट पॉइंट क्या लिखिएगा यदि पदों के बीच के बीच का गैप के बीच का गैप मतलब अंतर गैप मैं आपकी भाषा में लिख दे रहा हूं गैप बराबर इक्वल हो हो तो इक्वल हो और, और पदों की संख्या पदों की संख्या क्या हो विषम हो पदों की संख्या विषम ऑड हो तो औसत एवरेज बराबर मध्य का पद मध्य का पद एवरेज बराबर मध्य का पद पॉइंट नोट कर लीजिए सभी बच्चे सभी बच्चे पॉइंट नोट कर लीजिए क्लियर है सभी को चलिए सभी बच्चों को क्लियर है पचपन नहीं क्या आंसर आएगा 111 आएगा तो अब आप सीधे बोल देंगे कि एवरेज क्या लिख देंगे आप मध्य का पद मध्य का पद देख लीजिए एक दो तीन चार पांच तो मध्य का पद क्या हो जाएगा एन कितना आया पांच अब मध्य का पद के लिए यहीं पर फॉर्मूला सीख लीजिए वैसे आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं कि तीसरा नंबर वाला मध्य का पद होगा एन कितना आया पांच पांच प्लस एक बटे में दो मध्य का पद ज्ञात करना हो तो एन प्लस वन बाई टू कब जब एन क्या हो विषम ठीक है और वैसे भी आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं कि मध्य का पद एक सौ ग्यारह है क्लियर है सभी बच्चों को चलिए आ जाते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आप इसका आंसर दे दीजिए देखते ही आप इसका आंसर करेंगे सात सौ नब्बे सात सौ अस्सी सात सौ नब्बे आठ सौ आठ सौ दस आठ सौ बीस तो आप कहेंगे कि औसत कितना आएगा आठ सौ आएगा कोई फार्मूला नहीं लगाना है आप एक पॉइंट समझ लिए हैं कि जब गैप क्या हो बराबर हो आप देख रहे हैं गैप कितने का दस का गैप कितने का दस का यहाँ पर गैप कितने का दस का यहाँ भी गैप कितने का दस का गैप क्या हो बराबर हो और गैप बराबर हो और संख्याएं जो पद दिए गए हैं कितने हैं पांच एन क्या है पांच जो कि क्या है ऑड है और अगर ये आपको ऑड दिख जाए तो कोई फार्मूला नहीं लगाना सीधे आप बोल देंगे कि मध्य वाला पद क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा बोलिए समझ में आया कि नहीं आया बताइए क्लियर है चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे बाकी आज आपका टाइम हो गया कल फिर मुलाकात होगी लेकिन कल हम इस शर्त पर मुलाकात करना चाहेंगे कि आप सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके फैला दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव जुड़ सके ठीक है चलिए लिखा गया है रीता गीता और संगीता रीता गीता और संगीता तीन बहनों का औसत भार उन्तीस दशमलव पांच के जी यहां पर क्या लिख दिया गया औसत भार दे दिया गया क्या दिया गया है औसत भार उन्तीस दशमलव पांच के जी है यदि रीता एवं गीता का भार क्रमशः मतलब रीता का भार पैंतीस दशमलव पांच के जी एवं गीता का भार अट्ठाईस दशमलव पांच के जी हो तो संगीता का भार क्या होगा आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन लिखा था याद आया जिसमें एक्स का मान निकाल रहे थे बस वैसा ही क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है मान लीजिए माना संगीता का भार माना संगीता का भार बराबर एक्स के जी ठीक है तो अब आप कहेंगे रीता गीता और संगीता के भार क्या हो जाएंगे तो आप कहेंगे रीता का भार है पैंतीस दशमलव पांच गीता का भार है अट्ठाईस दशमलव पांच और संगीता का भार आपने माना अभी एक्स के जी ये हो जाएंगे और आपको पता है कि इन तीनों के भारों का औसत क्या दिया गया है उनतीस दशमलव पांच दिया गया है औसत क्या दिया गया है उनतीस दशमलव पांच दिया गया है उनतीस दशमलव पांच आपने अभी एक फार्मूला लिखा कि पदों का योग बराबर औसत गुड़े में पदों की संख्या आपने लिखा कि नहीं लिखा भी वही फार्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए क्या करेंगे पदों का योग मतलब भारों का योग बराबर औसत गुड़े में पदों की संख्या मतलब कितनी बहने हैं तो आप कहेंगे कि तीन बहने कितनी बहने हैं आप कहेंगे कि तीन बहने हैं बताइए मैंने कर दिया कैलकुलेशन आपको करना है ये आपका काम है ना कि हमारा क्योंकि हम करेंगे तो हमें आएगा और, आप करेंगे, तो आपको आएगा और जरूरी किसको आना है आपको आना जरूरी है क्योंकि पेपर आप देंगे तो आप तभी कर पाएंगे जब आप अभी करेंगे तो जल्दी से कीजिए और आंसर कीजिए बच्चों ने आंसर दे दिया है एक्स बराबर चौबीस दशमलव पांच के जी मुझे नहीं पता था कि भैया मेरे बच्चे जो है इतने टैलेंट हो गए हैं चलिए बाकी आपकी क्लास अभी है चार बजे से चार बजे से आपकी डीआई की क्लास है ठीक है आप लोग केवल एक बार हमें यह जरूर बता दीजिए कि आपको एक क्लास कैसी लगी और क्लास के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी सेशन आपको कैसा लगा बाकी मुलाकात होगी आपसे कल तब तक के लिए बाय बाय बच्चों सेशन को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये यूपी त्रिपोले पीटी के लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है बाय बाय बच्चों